बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र में चाल धंसने से जहां पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं यह आशंका जताई जा रही है कि सीसीएल के बंद खदान में चाल धंसी है। सीसीएल कथारा क्षेत्र में जरंडी कोयलेरी के 5 नंबर बंद खदान में चाल धंस गई है और चाल धंसने से कई लोहा चोरों के दबने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर बोकारो थर्मल के थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस घटनास्थल पर संभावनाओं के आधार पर जांच कर रही है। तो ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि 5 नंबर भूमिगत खदान में जो सीसीएल का है बंद है, इसमें कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अंदर जाकर लोहा काटने की बात प्रकाश में आई और लोहा काटने के क्रम में ही कुछ लोगों को जख्मी होने की सूचना है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और विशेष राहत टीम के साथ अंदर खोजबीन करके प्रयास कर रहे हैं कि क्या कितने लोग हताहत हैं या नहीं है, क्या बात है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे बोकारो से हमारे संवाददाता रिपुसुदन का। रिपुसुदन, जानना चाहूंगी कि क्या रेस्क्यू किया जा रहा है, कितने लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जो चाल धसी है वो 5 नंबर है, सीसीएल का इलाका पड़ता है, वो बंद खदान है और अंदर ग्राउंड माइंस है। वो उसमें चाल धसने की बात आई थी और जहाँ पे पूरे इलाके में ग्रामीण दहशत में थे, वहीं पे जब ये थानेदार को मालूम चला, बीटीपीएस थानेदार को मालूम चला, तो वो अपने दल बल के साथ वहाँ जांच करने आए और वहीं पे सीसीएल के अधिकारियों को बुलाकर वहाँ पे रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और जांच करने के लिए भेजा गया। आधे घंटे तक टीम ने जांच किया और वहाँ पे जो चोरी किए गए, जो खदान के अंदर में जो लोहे के पिलर बनाए गए थे, उसको चोर काट रहे थे और काट कर रखे हुए थे। कई टन, 5 टन के लगभग में वहाँ पे लोहा बरामद हुआ है और उस लोहे को एथी करने में ही ये जो भूमि गत जो चला चाल जो धसने की बात आई तो वो आया, लेकिन जो चोर थे वहां से फरार हो चुके थे। और आधे घंटे सर्च करने के बाद टीम वहां पे बाहर निकली। जो मुझे रात में मैंने उनसे बात किया तो वो साफ तौर पे उनका कहना था कि किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन जो आसपास के जो ग्रामीण है उस चाल धसने से काफी दहशत में है। और उन्होंने कहा है कि और सीसीएल के कई अधिकारियों को उन्होंने लिखित पत्र दिया था कि इसको दमदोज किया जाए और भूमिगत बराबर किया जाए और इसकी मांग कर रहे थे। और जिस तरह ये आने वाला समय में एक बड़ा खतरा हो सकता है। जी, इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस ने भी वहां पे जो रेस्क्यू टीम आई थी उससे पूरी जानकारी ली है। अंदर में जो गए थे काफी दूर तक, क्योंकि वो खदान जो है काफी लंबा है और वो अंदर कास्टिंग खदान कहा जाता है, वो कई दिनों से बंद पड़ा था। 5 नंबर सीसीएल का, 5 नंबर कथरा जो जरंडी का इलाका है, वहाँ 5 नंबर का वो माइंस एरिया है, वो काफी दिनों से बंद था। और उसी में जब ये बात आई और सुनने में आया तो वो दल बल के साथ आए, उन्होंने रेस्क्यू टीम को भी अंदर भेजा, जांच हुई है, उसमें साफ तौर से ये देखा गया है, माना गया है कि किसी की हताहत की या दबे होने की बात नहीं सामने आई है। लेकिन ये एक आने वाला समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि कुछ भी हो सकता है, दमदोज हो सकता है। इसको लेकर वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं काफी भयभीत हैं और भय का मंजर वहाँ पे साफ नजर आता है और सीसीएल के अधिकारियों को कई बार। बिल्कुल रिपुसुदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सीसीएल के बंद खदान में चाल धंसने के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है और गनीमत रही कि किसी के दबे होने की खबर सामने नहीं आ रही है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।